गया है कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं मांग रहा हूं तुमसे। कैसे? दीन बंधु भगवान अरे बनो जो तुम मेरे साथी, समय वो वाहन रोका है अयोध्या में तो मौसी से ध्रुव ने कहा है कि देख ले मैया, आज संसार के ठाकुर तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। तो सुरची लज्जित वही कि भगवान अगर अगली बार बेटा जन्मे तो ध्रुव जैसो मेरे। एक दासी ने कही बेटा ध्रुव बा मैया तो चल के देख लो, जा दिन तो तुम गए हो ता दिन तुम्हारे पैरों ही नहीं लो निकल के। आज अपनी महतारी के पास आए हैं, बेटा के गम में मैया रोते रोते अंधी हो गई थी, ध्रुव के हाथ रखने से आज नेत्र में प्रकाश आया है। तब कही बेटा ध्रुव अब तू कह दे तो हम जाएं, कितना बल था भक्ति में, हजारों बरस तपस्या कर करके मर जाते हैं वह ठाकुर की झलक नहीं मिल पाती। सो आज ध्रुव से साक्षात नारायण कह रहे हैं कि तू कह दे तो हम जाएं। हाँ प्रभु अब जाओ जाओ। तो बेटा ध्रुव तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, तेने इतना कष्ट किया मेरे नाम के पीछे, इतना दुख सहन किया, पर ध्रुव तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो देखिए ध्रुव ने कहा क्या है, क्या बोले ध्रुव जी? आपने सुना होगा कि जिस समय थाली की रामायण गाई जाती है तो देवराज इंद्र का बाजा है, थाली इंद्र का बाजा है। और थाली की रामायण की धुन ये है, कौन सी? तब ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, अरे कामू का देगे की।
मांगे तुझे आज वो दूंगा जो मैंने किसी को दिया ही नहीं आता। बेटा 36,000 बरस तो तुम राज करोगे अयोध्या में, 36,000 बरस। और जिस समय इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे उस समय क्या मिलेगा तुम्हें? भगवान ने कितना वरदान दिया ऊंचा। सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बचन ठाकुर उच्चारो, हेलो ध्यान रखना। सबसे प्रथम संदेश है कथा व्यास मंच के माध्यम से कि माता पिता सब ध्यान से सुने, बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलवाएं, मजबूत शिक्षा दिलवाएं। और जी प्राइवेट स्कूलों में तो 10,000 रुपए मार्कशीट बनने ना आता, जाको कोई मतलब नहीं। एक काम में आता केवल ब्याहवान में दिखा दो कि लला ने इंटर पास कर ली है, बाकी काउ काम में ना आया भाई। तो इसलिए शिक्षा को हमेशा मजबूत रखो, पढ़ाई लिखाई मजबूत रखो, पर ऐसी पढ़ाई मत करवा लियो जो सुनील बाबू लिख रहे हैं रुपया जान कलमत है। सो एक बार सामने में बूरो खाए को मनवा गो जाको को मैं बूरो खाऊंगा। सो जान एकदम मालूम पड़ी कि भाई जो ससुरारिया सब अंग्रेजी बोलते हैं और मैं अंग्रेजी जानता ना है। सो कहो मास्टर के जोरे भाज के पहुंचे सुनील बाबू के मां साहब कहां कि मैं परसों बूरो खाए जाने में अंग्रेजी पढ़ा दो। मां साहब ने समझी तई जल्दी कि मैं बूरो खाए जाना सब ससुरारिया अंग्रेजी बोलते हैं। मां साहब समझ गए तो कहा जलला बूरे लाके ही पढ़ा दू कहा बस इतना ही पढ़ा दो। तो उन्होंने की सुन चार बात याद रखिए मैं बूरो खाया वे हो कौन कौन सी के यस नो वेरी गुड और थैंक यू जा पढ़ेगो। अब घर को आए लौटे तो जय याद करता है कि यस नो वेरी गुड थैंक यू यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब चाहिए रहते बच्चों भूल ही जाओ परसों तक। अब बूरा खाए गए सूट बूट पैर के बेल्ट बांध के रेलम बैठ गए सामने वाली सीट में। कोई जितेंद्र बाबू बैठे बेहू पढ़े लिखे तो बेजा रहे पे नोएडा को सूट के सुने बैठे और बे पे आंखें बंद करके भाई रट रहे गए यस नो वेरी गुड थैंक यू यस नो वेरी गुड थैंक यू। सो जितेंद्र ने की गए क्या कर रहे हो कछना पूरा खावे जा रहे हो चुपचाप बैठे रहो। तो भैया ऐसा करिए नेक दे जा सूट के सा देख रही है मैं बहला आ रहा हूं कहां दर्द देखे हूं। सुबह तो चले गए पे टॉयलेट को और बे आंखें बंद करके बाई मंत्र पढ़ रहे तो पीछे तो कोई चतुर आगो सुबह सूट के सा उठा ले। अब बे लौट के आए सुबह ने एकदम पखा पकड़ के आए क्या बोला सूट के देखो। सुनील ने की गला नहीं तेने नंबर लगा दू क्या सूटकेस देखो उन्हें की यस क्या तला मोदा क्या नो की बड़ा क्रक आदमी है सूटकेस जा पे और ही क्यों रो देव रो तुम्हें सूटकेस है कि यस क्या तला दे दा क्या नो। जितेंद्र बाबू ने गले मान पकड़ के उठा लो सही कही के वेरी गुड
कान पकड़ के एक थाप दई गाल पे तो पीछे दे कह दी कि थैंक यू। ऐसी अंग्रेजी मत पढ़ियो। हाँ, 20 रुपए अशोक कुमार यादव नगला मोहन से राम और हनुमान की लड़ाई आज कहाँ है रही है? राम और हनुमान में लड़ाई भैया ना है कबू। श्रोता बंधु, आज ध्रुव जी को इतना बड़ा वरदान मिला, आज तक वो वरदान जो का त्यों दिखाई देता है तुम उत्तर दिशा में, ध्रुव नाम का तारा दिखाई देता है। राजन परीक्षित इसी वंश के एक प्रियव्रत महाराज थे। और कैसे सम्राट थे प्रियव्रत? क्या जिस समय प्रियव्रत की भुजाओं में बल बढ़ा था, ध्यान रखना मैंने कल भी बताया था कि धन और बल अगर सीमा तोड़ के जब बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध बनता है, फिर रुकता ही नहीं, निश्चित बनेगा। तो जिस समय उसके काया में बल बढ़ा प्रियव्रत महाराज।